अगर इस ईयरबड्स को लेके आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये वीडियो को देखने के बाद वो सारे कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएंगे। अभी जो हमारे पास ईयरबड्स है ये है बोट ईयरडब्स 161 प्रो, एंड कंप्लीट इसी की जो है आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसको ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कंप्लीट बॉक्स का पैकिंग, बॉक्स का लुक वगैरह कुछ इस तरीके का कंप्लीट जो है देखने के लिए मिल जाता है। एंड चलिए फटाफट से हम बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही कुछ इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे सबसे ऊपर जो यहाँ पे हमारा ईयरबड्स देखने के लिए मिल जाता है। सो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, फिलहाल के लिए रखते हैं साइड में। आगे और बॉक्स में बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो एक टाइप सी का चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो है ईयर टिप्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे और बॉक्स में बात करें तो कुछ पेपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि यूजर मैनुअल, वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, ऑल्सो कुछ स्टिकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं बोर्ड के तरफ से, साथ ही में कुछ और भी पेपर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड चलिए अब हम आते हैं हम अपने ईयरबड्स पे। एंड देख सकते हो ईयरबड्स का फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन जो केस का डिजाइन है काफी कॉम्पैक्ट देखने के लिए मिल जाता है, काफी प्रीमियम फील देता है यहाँ पे। एंड लुक भी देख सकते हो काफी अच्छा है, काफी शाइनी यहाँ पे जो है हमारा केस देखने के लिए मिलता है। एंड फ्रंट में देख सकते हो आपको बोट का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। नीचे हम बात करें तो यहाँ पे आपको रीसेट बटन भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड बाजू में आपको यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, एंड एक लाइट इंडिकेटर जो है देखने के लिए मिलता है। एंड केस का साइज इतना कॉम्पैक्ट है कि आप इजिली इसको पॉकेट में कैरी कर सकते हो। सो ओवरऑल केस का तो लुक यहाँ पे काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। एंड जैसे हम केस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे दो ईयरबड्स जो है देखने के लिए मिलते हैं। एंड इसमें आपको इंस्टेंट वेक एंड पेयर का टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपका फोन का ब्लूटूथ ऑन है एंड अगर उससे ईयरबड्स पेयर्ड है तो जैसे ही आप केस को ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक जो ये कनेक्ट हो जाएगा। सो ये काफी अच्छा फीचर लगा। एंड चलिए फाइनली ईयरबड्स को केस से हम बाहर निकालते हैं। बात करें तो ईयरबड्स का भी जो साइज है काफी अच्छा, काफी कंफर्टेबल, काफी छोटा देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी के साथ इसका भी फिनिश जो है काफी यहाँ पे ग्लोसी फिनिश दिया गया है। एंड यहाँ पे देख सकते हो रबर के ईयर टिप्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इस साइड आपको बोट का ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है, एंड यही जो है टच कंट्रोल है। एंड नीचे में आपको दोनों में एक एक माइक देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसमें ईएनसी का टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलता है, जिसको हम आगे वीडियो में टेस्ट भी करेंगे। एंड देख सकते हो कंप्लीट केस और ईयरबड्स कंप्लीट कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। फिनिश काफी अच्छा किया गया है यहाँ पे, काफी ग्लोसी एंड काफी प्रीमियम लगता है यहाँ पे देखने में। एंड ऑल्सो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी जो है यहाँ पे काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। एंड चलिए एक बार पहन के दिखा दूं कंप्लीट इन ईयर फिट कैसा है एंड इसका लुक कैसा आता है। सो ये राइट ईयरबड्स है, इसको मैं राइट ईयर में लगा लेता हूँ, एंड ये लेफ्ट ईयरबड्स है, इसको लेफ्ट ईयर में लगा लेता हूँ। एंड पहनने के बाद देख सकते हो कंप्लीट कुछ इस तरीके का लुक आने वाला है। काफी अच्छा यहाँ पे लुक देखने के लिए मिल जाता है। जो साइज है वो काफी कॉम्पैक्ट है, तो देखने में यहाँ पे और काफी अच्छा लगता है। एंड बात करो फिट की तो काफी कंफर्टेबल है, पहनने के बाद कोई भी इरिटेटिंग जैसा फील नहीं होता है। एंड देख सकते हो काफी सही फिट है इसका, गिरने वगैरह का डर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हो काफी अच्छे से जो ये फिट हो गया है। सो ओवरऑल जो इसका इन ईयर लुक है एंड इन ईयर खास करके जो फिट है यहाँ पे काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 10mm का जो है ड्राइवर्स देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको कुछ म्यूजिक सुना दूं, उसके बाद अपना रिव्यू देता हूँ। अब बात करूं तो स्पीकर का क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, काफी लाउड है एंड काफी अच्छे से आप म्यूजिक को, सॉन्ग को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेस भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है, उतना एक्स्ट्रा बेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो है प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा स्पीकर इसका देखने के लिए मिलता है। ऑल्सो इसमें आपको गेमिंग मोड देखने के लिए मिल जाता है, जिसको ऑन करने के लिए आपको राइट ईयरबड्स पे 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा, देन आपका बीस्ट मोड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। एंड बीस्ट मोड एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे आपको 60 ms का लो लेटेंसी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड चलिए एक बार आपको गेमिंग का साउंड सुना दूं, जिसको सुन के आप एक अंदाजा लगा सकते हो गेमिंग के समय इसका कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। बीस्ट मोड।
ऑल्सो इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है, जिसको यूज करने के लिए आपको लेफ्ट ईयरबड्स पे 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा, देन आपका वॉइस असिस्टेंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। बात करें कॉलिंग की, तो कॉल अगर आता है तो किसी भी ईयरबड्स पे आप एक बार टच करके जो है कॉल को रिसीव कर सकते हो, एंड अगर कॉल को रिसीव नहीं करना है, रिजेक्ट करना है, तो 2 बार टैप करके जो है कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो, एंड अगर आपने कॉल को रिसीव कर लिया है उसके बाद जो है कट करना है, देन किसी भी ईयरबड्स पे अगर आप 2 बार टैप करते हो तो कॉल को आप कट भी कर सकते हो। ऑल्सो बात करें तो इसमें आपको 2 माइक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एक ईयरबड्स में एक माइक है एंड दूसरे ईयरबड्स में एक माइक है, एंड यहाँ पे आपको ENC एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है, जिसका काम ये होता है कि जो भी बैकग्राउंड नॉइस वगैरह है, अगर आप मार्केट में हो जो भी बैकग्राउंड नॉइस है, अगर आप ट्रैफिक में हो जो भी व्हीकल का जो है बैकग्राउंड नॉइस वगैरह है, उसको काफी अच्छे से ये रिमूव करके कम करके जो है सामने वाले के पास काफी अच्छे से वॉइस ट्रांसफर करता है, एंड कंप्लीट इसी ENC को अभी हम टेस्ट करने वाले हैं। सो अभी मैं मार्केट में आ गया हूँ, एंड ये जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है ये नॉर्मल फोन से रिकॉर्ड हो रहा है, एंड अभी मैं ईयरबड से कॉल करने वाला हूँ एंड सामने वाले को बोल दूंगा रिकॉर्डिंग करे, एंड इसके बाद चलिए अब हम सुनते हैं ईयरबड से रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो, हाँ कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर दिया? हाँ कर दिया, कॉल रिकॉर्ड होता है मेरा? हाँ भाई कर दिया। कहाँ पे? घर पे हूँ। हेलो हेलो, खाना पीना हो गया तेरा? हाँ खाना पीना हो गया तेरा? हाँ खाना पीना हो गया तेरा? हुआ? हाँ हो गया, आया था मार्केट सब्जी लेने। अच्छा और बता क्या खाया? हाँ क्या खाया भाई? ये रोटी सब्जी और क्या। मैं तो जा रहा हूँ, अभी सब्जी जाएगी तो चलेगी। तो ठीक है ना? हाँ बस बढ़िया, तू बता। बस ठीक है, चल रहा है, चल ठीक है, मिलते हैं। हाँ सो आपने सुना कंप्लीट इसका माइक का क्वालिटी कैसा देखने के लिए मिल जाता है, एंड ओवरऑल कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। एंड ऑल्सो आपको बता दो, कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हो, कोई भी म्यूजिक वगैरह अगर आप सुन रहे हो, तो कोई भी ईयरबड्स पे अगर आप सिंगल टैप करते हो, एक बार टच करते हो, तो आप प्ले या पॉज कर सकते हो। एंड इसी के साथ बात करें, अगर आप राइट ईयरबड्स पे डबल टैप करते हो तो आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जा सकते हो, एंड अगर आप लेफ्ट ईयरबड्स पे डबल टैप करते हो तो आप पिछले सॉन्ग पे, प्रीवियस सॉन्ग्स पे जो है जा सकते हो। बात करें वॉल्यूम की, आप इसका साउंड जो है कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आपका वॉल्यूम कम या ज्यादा करना है तो वो आपको अपने स्मार्टफोन, आपके डिवाइस से ही करना होगा। बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे आपको टोटल प्ले टाइम जो है 50 घंटे का, 50 आवर्स का जो है टोटल प्ले टाइम देखने के लिए मिलता है। एंड ऑल्सो बात करो तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने के लिए मिलता है, तो कनेक्टिविटी वगैरह काफी अच्छा रहने वाला है, एंड काफी इजिली जो है स्मार्टफोन से ये कनेक्ट हो जाएगा। बात करें तो इसमें आपको IPX5 का वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह के छींटे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप जिम वगैरह में भी यूज करते हो, पसीना वगैरह होता है, तो उससे भी कोई इशू नहीं होगा। अब बात करें इसको बाय करना चाहिए नहीं, खरीदना चाहिए नहीं, सो जो इसका लॉन्च प्राइस है वो है 999। सो इतने में अगर मिल जाता है तो काफी अच्छा डील है, लेकिन अगर इसका प्राइस बढ़ के 1299 तक भी जाता है तो आप इसको परचेस कर सकते हो। 1299 से अगर ऊपर प्राइस जाता है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी ओवरऑल इसका लुक्स वगैरह, डिजाइन वगैरह काफी अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो आप इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से फॉलो करके मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।